अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फॉर वीडियो वाली सरकार। आज के इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं Infinix Hot 7 को। ये मोबाइल फोन कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ है, आपकी तरफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी, लेकिन इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे Infinix वालों की तरफ से ये यूनिट आना था। अब Infinix Hot 7 जो है ये एक इंटरेस्टिंग डिवाइस बन जाती है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं Hot 6 की, तो पाकिस्तान में जो मॉडल लॉन्च हुआ था वो Hot 6 Pro था और वो एक मिड रेंज का फ़ोन था, वहाँ पर आपको अच्छी रैम और सारा कुछ मिल जाता था। लेकिन अगर आप बात करते हैं Hot 7 की, तो ये काफ़ी हद तक लो रेंज डिवाइस है। 15,000 रुपये इसकी प्राइस टैग है और 15,000 रुपये के अंदर आपको क्या स्पेक्स मिलती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Infinix इस मोबाइल फ़ोन के साथ एक गिफ्ट हैम्पर भी दे रही है जिसको हम अनबॉक्स करेंगे, और उसके अलावा Infinix जो है वो इस मोबाइल फ़ोन के साथ डिज़ाइन के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, तो स्पेक्स पे फोकस नहीं किया जा रहा बल्कि डिज़ाइन और कैमरा पे फोकस है, तो उसको भी हम देखेंगे कि कैसा रहता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, इस मोबाइल फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। ओके जी, तो अगर आप Infinix Hot 7 को परचेज़ करते हैं दराज से, तो इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह नज़र आएगा, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन है और दूसरा जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह है जिसके अंदर कोई गिफ्ट हैम्पर है। तो सबसे पहले गिफ्ट हैम्पर को खोल के देख लेते हैं कि भाई क्या आता है आपको इसके साथ गिफ्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ छोटे मोटे आइटम्स होंगे। Infinix इससे पहले भी गिफ्ट वगैरह देती रही है, ये इनके सारे सिस्टम के अंदर है और ये बड़ा अजीब सा साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो चीज़ें अंदर हिल रही हैं। ओके, आपको एक मोबाइल फ़ोन का बैक वाला होल्डर मिलता है Infinix की तरफ से, एक की चेन है जिसके ऊपर Infinix का ये बंदा बनाया गया है। ये बंदा मैंने काफ़ी जगह पर देखा है जब आप इनके लॉन्च इवेंट वगैरह पे जाते हैं। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है मैस्कॉट का, लेकिन ये ऐसे ही है। और तीसरी चीज़ क्या है भाई, मुझे लगता है एक पाउच है या बैग है, आई गेस। ओके, एक स्लिंग बैग है जो कि आपको इस मोबाइल फ़ोन के साथ मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि Infinix गिफ्ट्स वगैरह ऐड कर रही है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि गिफ्ट्स ऐड करने हैं किसी भी कंपनी ने तो ज़रूर करे, अच्छी बात है। बट अगर मोबाइल फ़ोन अच्छा ना हुआ तो गिफ्ट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और मोबाइल फ़ोन को देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बैक पर लिखी हुई कुछ स्पेसिफिकेशंस की। 6.2 इंच का डिस्प्ले है, 15,000 रुपये इसकी प्राइस है, 4,000 mAh की बैटरी है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं, डायरेक्ट मोड है जो कि मुझे नहीं पता क्या है लेकिन आई गेस कुछ ब्लूटूथ के रिलेटेड हो सकता है, एंड उसके अलावा फैशन डिज़ाइन लिखा हुआ है। जो चीज़ मुझे काफ़ी कंसर्न कर रही है वो यहाँ पर छोटी सी करके लिखी गई है कि इसके अंदर 16 GB इंटरनल और 1 GB रैम है। अब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एंड्रॉयड गो जो है उसको गूगल काफ़ी पुश कर रही है, लेकिन आजकल मेरे हिसाब से अगर 2 GB रैम लगा दी जाए तो वो काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, और मुझे कोई भी ऐसा फ़ोन पसंद नहीं आता नॉर्मली जो कि 1 GB रैम के साथ आता है। आप लोगों को याद होगा मुझे अभी तक सिर्फ एक ऐसा फ़ोन है जो कि 1 GB रैम में भी यूज़ेबल मिला है, वो सैमसंग की तरफ से था और मेरे ख्याल से उसका नाम J4 कोर था। उसके अलावा जितने भी 1 GB वाले फ़ोन्स हैं वो इतने स्लो होते हैं कि आप उनको जब ऑन करते हैं, पहली दफ़ा यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तभी आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्पीड है वो स्लो है। तो इस मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो भी हम देख लेंगे। मीडिया टेक का 6580 का चिपसेट इसके अंदर लगाया गया है, बॉक्स काफ़ी बड़ा है और उसके अंदर जो फ़ोन है वो भी काफ़ी बड़ा है। 6.2 इंच का डिस्प्ले है, अब ये नौ चौड़ा डिस्प्ले है, तो जो डिज़ाइन है वो तो वाकई डेफिनेटली स्टाइलिश है, और बैक साइड पर ये पर्पल लुक के अंदर आता है और ये ग्रेडियंट डिज़ाइन है और मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये प्लास्टिक बिल्ड के अंदर है तो ये आसानी से स्क्रैच हो सकता है, और सेकेंडली इसकी जो बैक है वो रिमूवेबल है और ये काफ़ी सस्ता वाला प्लास्टिक है, लेकिन एटलीस्ट लुक वाइज ये काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है, और उसके अलावा बैक साइड पर आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 13 मेगापिक्सल का है। अब मुझे एग्जैक्ट रीजंस तो नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि Infinix ने इस मोबाइल फ़ोन को उन लोगों के लिए बनाया है जो कि अभी एंड्रॉयड के ऊपर आ रहे हैं। आपको वारंटी की कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, एक पावर ब्रिक है जो कि 1.2 एम्पेयर के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करेगी, काफ़ी हद तक 1 एम्पेयर वाली ही है, और उसके अलावा आपको वो टिपिकल एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं जो कि Infinix के दूसरे फ़ोन्स पे भी आप देख चुके हैं। और बॉक्स के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर आपको देखने को मिल जाता है एक केस, और ये हार्ड शेल केस है और इस पर काफ़ी खूबसूरत किस्म के जो पैटर्न्स हैं वो भी बनाए गए हैं, तो स्टाइलिश तो डेफिनेटली ये मोबाइल फ़ोन है, लुक वाइज भी काफ़ी खूबसूरत है और जो केस है वो भी काफ़ी अच्छा है।
इसके अलावा जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि आपको उनको लगाना नहीं पड़ता, और नॉर्मली लोगों से जो प्रोटेक्टर्स हैं वो लगते भी नहीं हैं। मैं इस फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं। ओके, तो ये फ़ोन फाइनली सेटअप हो गया है। अब मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप बात करते हैं स्पीड की, तो मुझे बुरी नहीं लगी। और ऑनेस्टली 1 GB रैम जो है वो जब मैंने पहली दफ़ा फ़ोन पे भी देखी थी डब्बे पर, तो मुझे यही लग रहा था कि ये जो वीडियो है रिव्यू कम और एक रैंट ज़्यादा होने वाला है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो स्क्रीन का सारा मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है। मुझे अभी तक कीबोर्ड में भी कोई मसला नहीं आया। एक मसला जो कि बहुत ज़्यादा आता है 1 GB रैम वाले फ़ोन्स के साथ, वो ये है कि जब आप कीबोर्ड को ओपन करते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा देर लगा देता है। यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो जी बोर्ड, जो कि गूगल का अपना कीबोर्ड है, उसी को ऐड किया गया है। एंड ये जो कीबोर्ड है काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको यहाँ पर भी लैग देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल कोई भी चीज़ मिस नहीं हो रही, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 GB रैम के अंदर ये मसला बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कीबोर्ड जो है वो थोड़ा सा तंग करता है, और ये सिर्फ इस फ़ोन के साथ नहीं है, हर उस फ़ोन के साथ है जो कि 1 GB रैम के साथ आता है। इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड पर आपको फेस आईडी भी देखने को मिल जाती है। अब ये 15,000 का फ़ोन है तो उस हिसाब से सही है। और बैक साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अवेलेबल है, लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं लगा मुझे। कभी कभार अनलॉक हो जाता है और कभी कभार बिल्कुल भी अनलॉक नहीं होता। मैंने अभी इस फिंगर को इनरोल किया है और फिंगरप्रिंट जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये लैग करता है। अगर आप जल्दी से फिंगर उठा लेते हैं तो वो आपके मोबाइल फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो रजिस्टर नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ी देर फिंगर रख के देखते हैं तो उसके बाद अक्सर औकात आपकी जो फिंगर है वो रीड कर ली जाती है। फेस आईडी भी यहाँ पर काफ़ी स्लो है। कैमराज की अगर आप बात करते हैं तो यार बैक कैमरा जो है वो 13 MP का है और f1.8 अपर्चर के साथ आता है। तो 15,000 की रेंज में कैमरा वाला अगर आपको फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो और आपने नया ख़रीदना है, तो डेफिनेटली ये मोबाइल फ़ोन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 13 MP का बैक कैमरा है। स्लो है, आप ज़रूर देख सकते हैं कि जब मैंने पिक्चर यहाँ पर स्नैप की है तो उस पिक्चर को स्नैप होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, और मीडिया लाइब्रेरी को भी ओपन होने में टाइम लग रहा है। और ये याद रखें कि इस फ़ोन के अंदर भी मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं की, ये बिल्कुल नया फ़ोन है, तो जब आप इस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करेंगे और उनको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो स्पीड थोड़ी और स्लो हो जाएगी। लेकिन 15,000 की रेंज में आप कोई भी फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें ये जो मसला है आपको देखने को मिलता है, और इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने फ़ोन ख़रीदना है तो 20,000 से ऊपर की रेंज में ख़रीदें, ताकि आपके 6 से 8 महीने जो हैं वो आसानी निकल जाएं, क्योंकि इस रेंज के जो फ़ोन्स हैं उनके अंदर कुछ मेन फीचर्स मिसिंग होते हैं। आपको बैक साइड पर ये क्वाड या ड्यूल फ्लैश है वो भी देखने को मिल जाती है, फ्रंट साइड पर भी फ्लैश है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 MP का है। तो अगेन कैमराज वाली साइड पर, डिज़ाइन वाली साइड पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, लेकिन जो रैम है वो 1 GB ज़्यादा होती तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर हो सकता था। ओके, मैंने यहाँ पर पिक्चर स्नैप की है फ्रंट कैमरा से, ताकि आपको जो क्वालिटी है वो दिखा सकूं, और आप देख सकते हैं कि ये ज़ूम करने में भी टाइम ले रहा है, लेकिन पिक्चर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बैकग्राउंड के अंदर जो लाइट्स हैं उनने इसे काफ़ी डिस्टर्ब किया है, लेकिन ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी अच्छी है। तो 15,000 में क्या ये मोबाइल फ़ोन मैं रिकमेंड करूँगा या नहीं, अगर आपको एक कैमरा वाला फ़ोन चाहिए देखने में अच्छा हो, स्पीड भी ठीक हो, नॉर्मल हो, तो आप इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करते हैं तो किसी ऐसे फ़ोन की तरफ जाइएगा जो कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च के 2 GB रैम दे रहा हो, क्योंकि 1 GB रैम जो है वो आपको इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा तंग करेगी। उसके अलावा इसका जो स्पीकर है वो बैक साइड पर है, तो जब आप इसको रखेंगे टेबल के ऊपर तब भी थोड़ा बहुत मसला आ सकता है। अदर देन दैट, जो इसका डिस्प्ले है वो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा है, नॉच वाला डिस्प्ले है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, 720p इसकी रेजोल्यूशन है, तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। और ये XOS पे चलता है जो कि इन्फिनिक्स का अपना OS है, तो वो भी इस मोबाइल फ़ोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मैं यही कहूँगा कि कैमराज अच्छे हैं, डिज़ाइन अच्छा है, स्पीड भी ठीक है, लेकिन 1 GB रैम इस मोबाइल फ़ोन के अंदर और होती तो ये एक काफ़ी सॉलिड कैच हो सकता था। इनफैक्ट अगर इसकी प्राइस 1 या 2 हज़ार बढ़ा भी दी जाती तब भी 1 GB रैम इसके अंदर और लगा दी जाती तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन अभी के लिए परफॉर्मेंस यूज़र के लिए मैं ये मोबाइल फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जो रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग वगैरह हैं वो इस चैनल पर रेगुलरली आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ फिलहाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।